हाय फ्रेंड्स, आप देख के समझ ही गए हो कि हम लोग कहाँ हैं। यस, हम लोग आए हैं बटरफॉल। कहा जाता है अगर आप मसूरी आए और बटरफॉल नहीं आए तो आप कहीं नहीं गए। तो गाइस, ये है एक नए रूप में नया स्टार बटरफॉल का, जो कि हम लोग देखेंगे रोप वे के थ्रू और देखेंगे नया फन पार्क जो बटरफॉल में बना है। तो गाइस, तैयार हो जाइए इस रोमांचक व्लॉग के लिए। तो हम जैसे ही रोपवे में नीचे उतर के आते हैं तो हम लोगों के सामने आता है टिकट काउंटर, जो देखने में बहुत वेल मेंटेन है और क्लीन है। बात करते हैं टिकट की, तो वन वे टिकट है 100 रुपीज और दोनों साइड से अगर हम लेते हैं डेट कॉस्ट रुपीज 150। तो गाइस, बना हुआ बहुत अच्छा है, ऑसम है। दोनों कॉलेज में भी ट्रैफिक कम होगा दोनों रख के कोल करके। गाइस, आप लोग ट्राई करना मत भूलना। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं टिकट काउंटर। तो आइए टिकट लेते हैं, एंजॉय करते हैं बटरफॉल के इस गार्डन को, फन इट्स कॉल्ड अ फन जोन ऑफ 2020 विद न्यू अपग्रेड सेल्फी पॉइंट्स एंड लॉट्स ऑफ गेम्स। द कॉस्ट ऑफ द टिकट इज 30। लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो एंड एंजॉय। थोड़ा सा अंदर आते ही सबसे पहले हम लोग की नज़र पड़ती है स्विमिंग पूल पे, जो काफ़ी बड़ा है, बट लुक्स के बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए स्लाइड्स नहीं है इसमें और काफ़ी साफ है। सर्दियां हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है ये। इट मस्ट लुक गुड, इसका मतलब सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है यहाँ पे। बस यही चल के देखते हैं सबसे पहला मेन अट्रैक्शन, डेट इज अ वाटर वॉकिंग बॉल। द कॉस्ट ऑफ दिस राइड इज 100 पर पर्सन, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखने में लग रहा है कि बहुत मस्ती और फन एंटरटेनमेंट होगा इस राइड में। सो आइए देखते हैं, ट्राई करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो गाइस, लुक्स गुड। तो पहली राइड जो है, जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, देखने बहुत अच्छी लग रही है। चलिए शूट करते हैं, देखते हैं कैसे रहती है। गुड, मस्ती भरी लग रही है, फुल टूरिस्ट एंटरटेनमेंट लग रहा है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, धड़पड़ गिर रहे हैं अंदर, चोट लगने का खतरा नहीं क्योंकि बॉल है फिल ऑफ एयर। सो गाइस, लुक इंटरेस्टिंग। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस राइड को जरूर प्लान करें, क्योंकि देखने से बहुत अच्छी लग रही है और बहुत इंजॉयबल लग रही है। कैसे लगा बच्चों, मजा आया? थक गए? और तेरे को कैसे लगा? कितना अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, क्या नाम है आपका? आइए फ्रेंड, चलते हैं सेकंड अट्रैक्शन की तरफ, जो है बोटिंग। इफ यू सी बोट्स आर गुड, ओनली 5 to 6 बोट्स आर देयर एंड द ऑक्युपेंसी इज 1 to 4 एंड द कॉस्ट ऑफ बोटिंग इज 50 पर पर्सन। तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो गाइस, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, फन कर सकते हैं बोटिंग में अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, और कोई ना मिले तो अकेले भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा रश नहीं है गैदरिंग। चलिए करते हैं क्वालिटी चेक बोट्स का। बोट्स देखने में अच्छी लग रही हैं, साफ सुथरी हैं और नई हैं। सो गाइस, हम रेट करें बोट्स को तो 5 out of 5, क्योंकि ऐसा आज की कंडीशन है बहुत अच्छी है बोट। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, डेट इज़ द लोकेशन ऑफ फॉल। सो यू कैन सी फैमिलीज आर ऑलरेडी देयर और सेल्फीज चल रही हैं, फोटोग्राफ चल रहे हैं। व्यू बहुत अच्छा है, पूरा झरना है यहाँ पे। बटरफॉल स्टार्टिंग तो थोड़ा ऊपर से होता है, बट यहाँ पे भी काफ़ी फ्लो है और काफ़ी गैदरिंग है और पानी काफ़ी साफ है। सो गाइड, बहुत अच्छा व्यू है, आप इंजॉय कर सकते हैं बटरफॉल यहाँ पे आके भी, और पूरी फील मिल रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सामने दो सेल्फी गर्ल्स हैं जो सेल्फी एंजॉय कर रही है।
वाटर इज ऑल्सो लुक्स टू गुड, तो आप पानी में जाने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, आराम से जा सकते हैं, isn't it? हाँ, बारिशें होती हैं तो सुना है पानी बहुत गंदा हो जाता है, मिट्टी आती है, बट इस मौसम में जो आज का है पानी बहुत साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, आप देख सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे आके मुझे नहीं लगता अपने आप रोक पाएंगे पानी में जाने से। आइए चलते हैं नए अपग्रेड्स की तरफ, और जो आजकल से चाहिए था पॉइंट है, इट इज सेल्फी पॉइंट। ये झरना है जो अभी रिसेंटली बना है, इसमें आके अपनी सेल्फीज ले सकते हैं, पानी बहुत साफ है, यू कैन एंजॉय, पास खड़े होकर थोड़ा भीग भी सकते हैं, जरा सा कोई इश्यू नहीं है। सो गाइस दिस इज अ वेरी गुड अपग्रेड, बहुत अच्छा करा इन लोगों ने कि हम लोगों के लिए कुछ सेल्फी पॉइंट्स बना दिए हैं, जिसमें सबसे पहला सेल्फी पॉइंट है आपका ये फाउंटेन, आर्टिफिशियल फाउंटेन ऑफ वाटर। सो गाइस सेकंड सेल्फी पॉइंट इज ईगल पॉइंट जो सामने है, और द मेन एंड मोस्ट लवेबल पॉइंट इज द स्पाइडरमैन। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एकदम से लगे हुए हैं सेल्फीज लेने के लिए, तो आइए ट्राई करते हैं, मैं भी कुछ सेल्फीज ले ही लेता हूँ, क्योंकि ऐसे जाना यहाँ से अच्छा नहीं रहेगा। दिस इज माय फर्स्ट सेल्फी विद स्पाइडरमैन, एंड द सेकंड सेल्फी इज विद। सो फ्रेंड वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, और अब लग रही है भूख, और बाहर घूमने आए और कुछ खाए नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेट्स कम गो टुगेदर टू ईट सम। सो गाइस ये है आज का हमारा डेस्टिनेशन, फूड डेस्टिनेशन, दैट इज खाना रिपब्लिक। सो गाइस ऑल माय फेवरेट शोले भटूरे, दिस इज द मेनू कार्ड, द कॉस्ट नॉट टू हाई, नॉर्मल है एंड अफोर्डेबल है। सो गाइस ये आ गया हमारे छोले भटूरे, देखने में तो मस्त लग रहे हैं, और चलिए अब ट्राई करा जाए इनको, रुका नहीं जा रहा देखने के बाद छोले भटूरे को, क्या बात है, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। सो गाइस पहले छोले टेस्ट करते हैं कैसे हैं, गुड एडमिट, दैट मींस फूड बहुत अच्छा है, मिलता महंगी प्याज भी साथ में ले रहे हैं, थोड़ी हरी मिर्च भी लेते हैं, फिर कोक भी ले लेते हैं। रियली गुड, मज़ा आ गया।